रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा। दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशन, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइफ पास। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिसने बहुत ही छोटी सी उम्र में आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया, और आज लुधियाना में उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो फैशन ब्लॉगर्स हैं पूरे वर्ल्ड के रेनाउंड, उनको इकट्ठा किया और बहुत जल्द अपना एक इवेंट करने जा रही हैं जो आपके सामने है। पहले हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने आज तक लाइफ में क्या क्या अचीव किया, फिर बात करते हैं इनके इवेंट की। मेरी मुराद है बहुत ही बड़ी जानी मानी लुधियाना से जो इंटरनेशनल फेम रखती है सेलिब्रिटी, इनायत ढांडा। इनायत, बहुत बहुत स्वागत है। सो मच, आपने बहुत कुछ बोल दिया। यू डिजर्व ऑल दिस इनायत। थैंक यू। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या आपने आज तक अचीव किया। अच्छा जी, सो स्कूल से ही आई वॉज अ वेरी वेरी एम्बिशियस चाइल्ड। मतलब मुझे पढ़ाई का तो बहुत शौक था, पर एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्टिविटीज़ का भी बहुत शौक था, चाहे वो डांस हो, डेक्लेमेशन हो, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हो, डिबेट्स हो। आई वॉज ऑलवेज वेरी वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट इट, और मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते हैं स्कूल टाइम पे। बट एक चीज़ है जो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ, जो मैंने अपने स्कूल टाइम में की थी, वो था दैट आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड चंडीगढ़, जिसको सेकेंड बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला था बाय द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह एट दैट टाइम। एंड इसके बाद सो ये एक चढ़ गया था मुझे एम्बिशन की कुछ करना है लाइफ में एंड अपने देश के लिए भी करना है। सो इसके बाद मैंने फिर जर्नलिज्म किया सिम्बायसिस से, वहाँ पे भी आई वाज अ टॉपर, एंड देन आई डिड लॉ। सो जब जितनी बार जब भी मैं कुछ करती थी, मुझे होता था कि व्हाट कैन आई डू जिससे मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंसेस, आई कैन इंस्पायर पीपल, आई कैन हेल्प देम। तो जब मैंने वकालत भी करी है, बहुत केसेस, बहुत मैंने ऐसे हेल्प किए हैं लोगों को जो कर नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस या उनको नॉलेज नहीं होती थी। एंड इवन जर्नलिज्म जब मैंने किया था तब भी मेरा यही एम होता था। एंड आजकल मैं काफ़ी लिखती हूँ, फेसबुक पे ही लिखती हूँ अभी, लेकिन मेरा एक ड्रीम है टू पब्लिश अ बुक, एंड गॉड आई मीन विलिंग आई थिंक दिस ईयर आई विल पब्लिश माई बुक ऑल्सो, सब पढ़ सके। ये जो मैं अब इवेंट करने जा रही हूँ उसका नाम है गार्डन ऑफ ईडन। ये 9 और 10 फरवरी को होगा सतलुज क्लब में। तो ये मेरी एक ड्रीम थी कि कुछ अलग करना है लुधियाना में, जैसे एग्जीबिशन तो बहुत होती हैं तो अलग कैसे करा जाए। सो फिर ये एक ऐसा इवेंट होगा जो ओपन में होगा, जो नॉट जस्ट फॉर वेमेन, ये मेन के लिए भी होगा। यहाँ पे मेन डिज़ाइनर्स भी आएंगे, एंड क्योंकि मुझे डॉग से बहुत प्यार है तो यहाँ के डॉग डिज़ाइनर्स भी आएंगे, एंड यहाँ पे फूड भी होगा, यहाँ पे बेवरेजेस भी होंगी। सो दिस इज़ वन ड्रीम आई एम यू नो फुलफिलिंग लुधियाना में आकर। इनायत, एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि बच्चों को संस्कार मिलते हैं माँ बाप से, और आपके जब पेरेंट्स की हम बात करते हैं तो आपकी माता जी मिसेज माला ढांडा बहुत जानी मानी एक बिजनेस वूमेन है, ढांडा ज्वेलर्स के नाम से उनका बहुत बड़ा यहाँ बिजनेस है, और साथ ही साथ वो ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं, पूरे वर्ल्ड में रेनाउंड हैं। और जब आपके फादर की बात करते हैं तो हमारा सिर बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ख्र से उनके आगे झुकता भी है, सम्मान के साथ झुकता है, क्योंकि वो हमारे कॉलेज के रोल मॉडल रहे हैं जिनको देखकर हम भी सोचते थे कि हम भी उनकी तरह छाएं, उनकी तरह दिखें। संजीव ढांडा जी जो सतलुज क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो ये दोनों स्टार पेरेंट्स आपको मिले, विरासत में 8 मिला, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और पर बहुत प्रॉब्लम्स भी देता है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने सीख ली हैं और इतनी डिग्रीज हासिल कर ली है अपने पेरेंट्स के कारण कि जब कुछ करना हो समझ में आता क्या करूं क्योंकि इतना कुछ किया हुआ है लाइफ में। बट येस, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि इतना एक्सपीरियंस भी उनका मिला है, उनके टैलेंट है, और आई थिंक जीन्स में है कुछ करने की, बहुत पैशनेटली करने की। सो या आई एम थैंकफुल टू देम। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज वॉइस ऑफ एशियंस को अपना खास समय दिया, और आपके आने वाले इवेंट 8 और 9 फरवरी सतलुज क्लब, 9 और 10 फरवरी सतलुज क्लब में, दोनों डेज के लिए आपको शुभकामनाएं। और हमारे सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप सभी लोग यहाँ पर ज़रूर आइए, नहीं तो आप बहुत बड़ा कुछ खास मिस कर जाएंगे। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशन, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइफ पास। रोजा।